वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं जा रही हूँ आपके लिए लाई हूँ भिंडी की एक ऐसी रेसिपी जो कि आप एक बार बना के खाएंगे इस तरीके से तो आप बार बार उसको आपको बनाने का मन करेगा और हमेशा आप अपने किचन में इसको बनाएंगे। तो आज मैं भिंडी को बेसन डाल के और मतलब इसको अलग तरीके से बनाऊंगी। तो आप अगर इस सब्ज़ी को सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और लास्ट में बताइएगा पूरा देखने के बाद कि हमारी सब्ज़ी ये कैसी बनी है और कैसी लग रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मैंने यहाँ ले लिए हैं 500 ग्राम के लगभग ये भिंडी है जिसको मैंने धुल के रख दिया है। अब इस भिंडी को पहले तो काटने का प्रोसेस करेंगे हम फ्रेंड्स। इसको साइड साइड से दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा निकाल के फिर बीच में दो दो पीसेस काटेंगे। मैं अभी आपको काट के दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने भिंडी को काट लिया है। आप अपने मतलब जिस हिसाब से आप काटना चाहें छोटा बड़ा साइज आप ले सकते हैं। मैंने बड़ी भिंडियों में 3 छोटे साइज के किए हैं और जो छोटी साइज की भिंडी है उसमें 2 कट किए हैं। किनारे किनारे से आप काट के उसको निकाल दीजिएगा फिर बीच में का हिस्सा आप अपने तरीके से जो भी आप जिस साइज़ का पसंद करते हो उस साइज़ का आप ले लीजिए। तो मैंने यहाँ सारे भिंडियों को मैंने यहाँ काट दिया है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें आधी कटोरी ये बेसन छोटी साइज़ की कटोरी है इसमें आधी कटोरी मैं बेसन ऐड करूँगी। अब यहाँ मैंने फ्रेंड्स आधी कटोरी बेसन मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसमें यहाँ पर थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च या फिर आपके पास लाल मिर्च पाउडर हो तो उसको आप इसमें ऐड कर दें। मैंने थोड़ा सा ही लिया है, आप अगर और ज़्यादा मिलाना चाहें तो मिला दें और इसको आप अच्छे से इसको पहले मिक्स कर दीजिएगा इन सारी चीज़ों को। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ इसको मिक्स कर लिया है। आप इसको अगर बनाना चाहें तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा फिर आपको पता चलेगा कि सब्ज़ी हमारी कैसी बन रही है और किस तरीके से बनेगी। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसको मिला लिए हैं, पहले अपने हैंड को वॉश कर लेते हैं फिर आगे शुरू करते हैं इसको बनाना। यहाँ मैंने एक कढ़ाई रख दी है गैस पे। इसमें मैंने फ्रेंड्स 1 चम्मच यहाँ ऑयल को डाल दिया है गर्म होने के लिए। ज़्यादा तेल नहीं डाल रहे हैं, इसको बस हल्का सा रोस्ट करना है। तो इसको मैं इसमें डाल के हल्का इसको बस रोस्ट करना है, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। इसको हल्के हल्के हाथों से बस हल्का सा रोस्ट कर दीजिए फ्रेंड्स। और आगे वीडियो और बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ बोलना चाह रही हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम और नए नए गार्डनिंग के और कुकिंग के चीज़ें आपको बता सकें। और अगर हमारी वीडियो पसंद आती हो आपको तो प्लीज़ लाइक करना न भूला करिए, लाइक ज़रूर कर दिया करिए और कमेंट में ज़रूर बता दिया करिए कि हमारी रेसिपी या हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, चाहे गार्डनिंग का हो चाहे कुकिंग का हो फ्रेंड्स। तो इसको हमें हल्का सा रोस्ट करना है। और फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में अपने परिवार वालों में शेयर करना न भूला करिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए। बस चलिए तो आगे शुरू करते हैं इसको बनाना। इसको आपको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसको हल्का सा रोस्ट कर देना है ताकि इसका कच्चापन बेसन का निकल जाए और हल्का सा ये पक जाए। तो चलिए हमारा ये 1 से 2 मिनट तक हल्का रोस्ट हो चुका है। अब इसको मैं निकाल दे रही हूँ एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स मैंने इसको एक प्लेट में निकाल दिया है भिंडी को। अब मैं उसी कढ़ाई को यहाँ ले ली हूँ थोड़ा सा साफ़ करके। फिर मैं इसमें थोड़ा सा
मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी तेल। मैं ज़्यादातर आपको जैसा कि बताती ही हूँ, ज़्यादातर मैं मस्टर्ड ऑयल ही सब्जियों में यूज करती हूँ। तो मैंने यहाँ बड़े साइज़ के लगभग एक चम्मच हो गया है हमारा तेल, ज़्यादा तेल यूज नहीं किए हैं। तो तेल गरम लगभग हो गया है फ्रेंड्स हमारा। अब मैं इसमें डालूंगी एक टीस्पून साबुत जीरा, फिर यहाँ मैंने फ्रेंड्स ले लिए हैं एक बड़े साइज के हरी मिर्च। आप चाहें तो और भी हरी मिर्च डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और मैंने यहाँ दो बड़े साइज के प्याज ले लिए हैं जो कि बारीक काट दिए हैं। तो चलिए मैं इसमें इसको डाल के पका दे रही हूँ। मैं इसमें फ्रेंड्स लहसुन और अदरक का पेस्ट बना दी हूँ पहले से ही। इसको मैं इसमें इसी के साथ इसको भी मैं पका दूँगी ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन निकल जाए। बहुत लोग हम बाद में डालते हैं, लेकिन लहसुन हमेशा मैं तेल के साथ ही पकाती हूँ, प्याज और मिर्चे के साथ तेल में डाल के, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और इसका टेस्ट भी अच्छा आए। यहाँ फ्रेंड्स हमारा लगभग प्याज पक चुका है। बहुत ज़्यादा इसको मैं लाल नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो हल्का फुल्का और लाल कर सकते हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ मसाले कुछ, ये आधा से कुछ ज़्यादा पौना टीस्पून हल्दी पाउडर। इसमें मैं डालूँगी एक टीस्पून सब्जी मसाला, आप कोई भी सब्जी मसाला ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं अच्छे से पका दे रही हूँ थोड़ा सा पानी डाल के। इसको आप थोड़े से दो मिनट तक इसको मसाला को पका दीजिए, ज़्यादा टाइम पकाना नहीं है आपको। ये सब्जी बनाना बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर बताइएगा कि कैसी बनी है। ज़्यादातर मेरी कोशिश यही रहती है कि सिंपल चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊं। पता नहीं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, पर मेरी कोशिश तो यही रहती है कि फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें और सिंपल जो भी बनाना हो, मतलब सिंपल बन जाए और अच्छा भी लगे खाने में, तो उसी को मैं ज़्यादातर बनाने की कोशिश करती हूँ। और सारे चीज़ें आपके घर में जो भी रहते हैं उन्हीं चीज़ों से बनाने की कोशिश करती हूँ। तो अब आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है फ्रेंड्स, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। ये फ्रेंड्स लगभग हमारा मसाला पक चुका है, इस देखिए तेल हल्का हल्का छोड़ रहा है इसमें। और इसमें मैंने फ्रेंड्स दो बड़े साइज के दो से तीन टमाटर मैंने पीस लिए हैं। आप चाहें तो इसको बारीक काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर काटिएगा तो उसको अच्छे से, अगर मतलब काट के अगर आप टमाटर को इसमें डालिएगा तो उसको अच्छे से पका दीजिएगा। मैंने यहाँ पीस दिया है टमाटर को, अब इसमें मैं मसालों के साथ इसको ऐड करके इसको भी अच्छे से पकाऊंगी मीडियम फ्लेम में। जैसा कि मैं पहले भी बताई हूँ फ्रेंड्स कि मसालों को जब भी आप पकाइए तो मीडियम फ्लेम में ही पकाइए, ताकि मसाले आपके अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ मैं टमाटर को भी पहले पका दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ लगभग हमारा टमाटर भी पक ही रहा है। तो इसमें मैंने उसी कटोरी में फ्रेंड्स चार बड़े साइज़ के दही मेरे पास था, वो दही मैं डाल दे रही हूँ। अगर आपके पास दही नहीं है तो आपके पास अगर दूध की मलाई जो रहती है आप उसको भी डाल सकते हैं इसमें। मैं इस दही को भी इसमें ऐड कर दे रही हूँ। अब आप तो अनुमान लगा ही सकते हैं कि ये सब्ज़ी हमारी कितनी टेस्टी बनेगी है, और खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी होगा। आप इसको अच्छे से चला के मीडियम फ्लेम में पका दीजिए।
इसको मैं 2 से 3 मिनट तक ढक के रख दे रही हूँ ताकि अच्छे से पक जाए। तो फ्रेंड्स हमारी ये दही भी लगभग पक चुकी है। आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल दें, मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ हल्का सा। आप चाहें तो इसी तरह से आप भिंडी को इसमें मिला दें। अब मैं इसमें ये फ्राई किए हुए भिंडी को इसमें मैं डाल दे रही हूँ। थोड़ा पानी मैं और ऐड कर दे रही हूँ, बस आधा गिलास पानी, मतलब कि 1 कप पानी आप इसमें डाल दीजिए। आप अपने हिसाब से आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ लगभग 1 कप पानी डाली हूँ। फिर मैं यहाँ डाल रही हूँ नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं स्वादानुसार कम ज़्यादा। अभी सब चीज़ों को लगभग हमारा बन चुका है फ्रेंड्स। अब मैं इसको 3 से 4 मिनट तक भिंडी को पकने तक अच्छे से इसको ढक के रख दे रही हूँ। चलिए तो हमारा 3 से 4 मिनट तक फ्रेंड्स हो चुका है। मैं इसको देख ले रही हूँ। वाओ सुपर यमी लग रहा है। आप लोगों को भी यमी लग रहा होगा फ्रेंड्स देखने में। ये देखिए कितना टेस्टी है। उससे भी जितना देखने में अच्छा लग रहा है उससे भी कहीं ज़्यादा ये खाने में भी टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स। तो ये प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए तो हम इसको पहले सर्व कर देते हैं। इसको फ्रेंड्स आप रोटी के साथ खाइए या फिर दाल चावल के साथ खाइए, किसी के भी साथ खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए तो हम पहले इसको निकाल दे रहे हैं, गैस को ऑफ कर दिए हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने इसको निकाल लिया है डोंगे में। अब मैं ऊपर से इसको हरा धनिया से सजा दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, गार्डनिंग का हो या फिर कुकिंग का हो, प्लीज़ दोनों देखा करिए, पूरा वीडियो हमारा देखा करिए। और आज की रेसिपी हमारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दिया करिए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक तुरंत पहुँच जाए। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए। तो आज के लिए हमारा इतना ही, आगे मिलते हैं किसी और नए टॉपिक पे फ्रेंड्स। तो चलिए आज के लिए इजाज़त चाहते हैं फ्रेंड्स। ओके बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, बाय, सी यू।